क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज को इस तरह से फ्लिक क्यों करते हैं? देखने में तो आपको ये मामूली लग सकता है, लेकिन ये आपकी हिफाजत के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं कि जब भी इंजेक्शन में दवाई भरी जाती है तो कई बार छोटे छोटे एयर बबल्स भी सिरिंज में फंस जाते हैं, और अगर ये एयर बबल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं तो ये हमारा ब्लड फ्लो ब्लॉक कर सकते हैं। मगर सिरिंज को इस तरह झाड़ने से डॉक्टर एयर बबल्स को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर इन बबल्स को बाहर निकालने के लिए प्लंजर को धकेलते हैं, जिससे डॉक्टर को ये यकीन रहता है कि पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन ही इंजेक्ट की जा रही है।